ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा में सरपंच, प्रतिनिधि, सचिव और स्कूल संचालकों के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत का नाम ग्राम पंचायत में स्थित सभी बड़े स्कूलों में लिखे जाने हेतु सहमति बनी। इस बैठक में शहर के बड़े स्कूलों जैसे सेंट जोसेफ, वैसेवा इंटरनेशनल हाई स्कूल, KVM, PES, स्काई टच, चित्रांश विद्या निकेतन, सर्वोदय विद्यापीठ स्कूल के प्रतिनिधिमंडल ने उचित प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। सरपंच व सचिव को अपना समर्थन दिया और आगामी समय में स्कूल बोर्ड व मार्कशीट पर ग्राम पंचायत का नाम अंकित करने की बात कही। आपको बता दें कि पिपरिया के प्रतिभावान विद्यार्थियों द्वारा देश विदेश में शिक्षा से लेकर अन्य संस्थानों में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया जा रहा है, जिसमें कई गोल्ड मेडल भी शामिल है। इस प्रस्ताव से शहर सहित ग्रामीण अंचल का भी नाम होगा जो कि इस नया आयाम लेकर जा सकता है। मैं पहले यहाँ आ रहा था तो मैंने मुझे लगा कि पता सोनू भैया क्या पूछेंगे क्या नहीं, तो मैं तैयारी में नहीं था ईमानदारी। अच्छा। तो मुझे यही लगा कि हो सकता है कुछ ऐसे विचार लाएंगे जो स्कूल से संबंधित। फादर ने मुझे कहा कि आप जाएं, उनकी सुने और वो जो कहें माने उनकी बात, तो बहुत अच्छा विचार था। अभी जस्ट मैंने फोन करके सबसे पहले यही पूछा कि फादर हमारे लेटर पेज में, हमारे फीस बुक में और हमारे बच्चों की मार्कशीट में, क्योंकि जो मार्कशीट है, फेसबुक है और कई तरह की चीजें हैं, हमारे 3000 पेरेंट्स हैं, 3000 पेरेंट्स मतलब 9000 एक बच्चा सही पति पत्नी और कहीं ना कहीं 9000 लोगों के हाथ में जो कार्ड जाता है वो देखते हैं कहाँ कहीं ना कहीं उसको बच्चा कहाँ पढ़ रहा है वो किस से। तो मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं हमारे उसमें ये इन्वॉल्व रहता है ग्राम पंचायत भी जनवाला, अगर नहीं है तो नेक्स्ट सत्र से आने वाले सत्र में आपको जरूर वो देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया भैया। और अभी भी जब भी हम नवोदय के फॉर्म भरते हैं तो उसमें ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा ही हम डालते हैं, रूरल डालते हैं बीजनवाड़ा पिपरिया से। और ये बात जो भाई साहब ने कही बहुत अच्छी है कि स्कूल में संबंधित ग्राम का नाम अवश्य होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो शुरू से ही ग्राम बीजनवाड़ा, मेरी सीम में भी ग्राम बीजनवाड़ा है, मेरे स्कूल के बोर्ड में भी ग्राम बीजनवाड़ा लिखा हुआ, और जो जितने मैसेज अगर मैं BRC कार्यालय में कहीं पे भी कोई भी प्रपत्र भेजता हूँ तो उसमें भी ग्राम बीजनवाड़ा पिपरिया लिखा ही रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक हो सकता है बाकी प्रतिनिधियों के मन में ये विचार नहीं आया होगा, लेकिन जो चूंकि मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे गाँव का नाम भी रोशन हो, जैसे आपके स्कूलों का नाम रोशन है, 8 स्कूल या 7 स्कूल हैं जो बीजनवाड़ा पंचायत में आते हैं, उन सबका नाम कंपटीशन में 1 से बढ़कर 1 है और एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, बच्चे बाहर निकल के अपना भविष्य भी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे गांव बीजनवाड़ा का नाम छूट रहा है। तो हम लोगों का आपसे यही निवेदन है, समस्त पंचायत की तरफ से हम लोगों ने अपना कहना चाहिए प्रस्ताव भी पास कर लिया है, सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया है कि आपके जितने भी स्कूल के होर्डिंग्स हैं, आपके स्कूल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका फीस कार्ड हो, रिपोर्ट कार्ड हो, आप फलाना स्कूल पिपरिया लिखते हैं, शायद मैं यहाँ पे गलत तो नहीं हूँ, कुछ स्कूल लेकिन लिखते हैं बीजनवाड़ा, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ स्कूल अभी तक बीजनवाड़ा नाम नहीं लिखते हैं, और आप सभी के स्कूल ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा में आते हैं। ग्राम किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है, आज आप यहाँ पे संस्था चला रहे हैं तो ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा आपका भी कहीं ना कहीं गांव है, तो मैं चाहता हूँ कि वो गांव पूरे देश में क्या आपकी तो विदेश में भी अपने जो बच्चे जाते हैं जब मार्कशीट देखेंगे वहाँ पर कि यार बीजनवाड़ा के स्कूल से पढ़ के आया बंदा, फॉर एग्जाम्पल कि सेंट जोसेफ स्कूल ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा पिपरिया, तो कहीं ना कहीं वो गाँव का नाम कहीं ना कहीं तो आएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे गांव का नाम बढ़ेगा जैसे आपके स्कूलों का नाम। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।